प्रदेश के महानगरों की तर्ज पर बालोतरा जिले में भी डायल 112 की सुविधा शुरू हुई। बालोतरा जिले को डायल 112 के 4 FRV को SP हरिशंकर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह FRV जिले के सर्किल स्तर पर तैनात होंगे, जहां से किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में तुरंत मौके पर पहुंच पाएंगे। SP हरिशंकर ने बताया कि इन व्हीकल्स के आने से पुलिस की राह आसान हो जाएगी। अब आपातकालीन के समय यह वाहन तुरंत मौके पर पहुंच जाएंगे। व्हीकल में एक ASI सहित कांस्टेबल मौजूद रहेंगे, जिससे दुर्घटना या किसी भी घटना की सूचना मिलने पर मौके पर वह पहुंच जाएंगे। चारों ओर कैमरों से लैस यह वाहन हर घटना की तस्वीरें भी कैद करेगी, जिससे पुलिस के लिए अपराधियों की पहचान करने में आसानी रहेगी। अभी यह वाहन सर्किल स्तर पर रहेंगे, बाद में और वाहन उपलब्ध होने पर यह हर थाना स्तर पर इनकी तैनाती होगी। पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ब्रांच के द्वारा बालोतरा जिले को 4 FRV मोबाइल पुलिस यूनिट गाड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं, जिनको सर्कल वाइज जो हमारे 4 सर्कल हैं उन 4 सर्कलों में डिवाइड कर दिया है। बेसिकली इन गाड़ियों का प्रयोग रेस्पॉन्स टाइम, घटनास्थल पर पहुँचाना और पुलिस की जो प्रतिक्रिया है उसमें जो समय लगता है उसको कम करना है। जिला बालोतरा में ऐसे 4 पॉइंट डिसाइड करके मेरे द्वारा और ये सभी अभी रवाना कर दिया है इनको सर्किलों में, और इससे पुलिस की जो विजिबिलिटी है वो बढ़ेगी। इसमें बेसिकली पुलिस अभय कमांड सेंटर जयपुर, इससे ये कनेक्ट रहेगी, उससे इसकी लोकेशन लगातार मॉनिटर की जाएगी। अभय कमांड सेंटर में 112 नंबर डायल करने पर जो व्यक्ति की लोकेशन होगी उस पर ये तुरंत वहाँ पहुँचेगी। इसमें इक्विपमेंट, कैमरा, NVR, GPS, ये जो अत्याधुनिक तकनीकी है उसके द्वारा ये लेस है और अच्छे से पुलिस का जो रिस्पॉन्स है ये बढ़ेगी। जो पॉइंट डिसाइड किए हैं ऐसे भीड़ भाड़ वाले पॉइंट या जहाँ पर पहले पुलिस कम पहुँच पाती थी, ऐसे पॉइंट डिसाइड किए हैं, तो निश्चित ही पुलिस की विजिबिलिटी इससे बढ़ रही है और अपराध नियंत्रण में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।